हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीज फातिमा। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिव्यू अ वाइटनिंग क्रीम दैट इज़ एवेंटॉन सी। बात कर लेते हैं इस क्रीम के इंग्रेडिएंट्स की। इसमें है जी ग्लूटाथायोन और वाइटामिन सी। ग्लूटाथायोन और वाइटामिन सी दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपकी स्किन को रिपेयर करते हैं, आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर करते हैं, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करते हैं और आपकी स्किन को इवन टोन करते हैं। नेक्स्ट जी, आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने किसी फेस वॉश से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है एंड देन इसकी पी साइज्ड क्वांटिटी लेकर आपने पूरे फेस पे अप्लाई कर देना। लास्टली ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये क्रीम वर्थ बाइंग है या नहीं। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, इस क्रीम के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। प्लस पॉइंट्स ये हैं कि ये एक मेडिकेटेड प्रोडक्ट है, इसमें कोई हार्मफुल हार्श किस्म के केमिकल्स नहीं है, तो ये ऑल स्किन टाइप्स को सूट करता है। नो मैटर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, तमाम स्किन टाइप्स को ये क्रीम सूट करेगी। नेक्स्ट है जी, ये आपकी स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, नॉन ग्रीसी सी है और अक्सर क्रीम्स लगाने के बाद आपको फेस पे एक्सट्रीम किस्म की स्वेटिंग होती है, तो इस क्रीम को लगाने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत विद इन अ सेकेंड्स आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट है जी, इसके रिजल्ट्स जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग है, आपके डार्क स्पॉट्स जो हैं वो फेड होती हैं और आपका कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो फेयर होता है। इस क्रीम के नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि इट्स अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव और 1800 रुपीज़ में आपको इस क्रीम की इतनी कम क्वांटिटी मिल रही है। नेक्स्ट, इसके आपको कोई इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते, आपको ऑलमोस्ट इस क्रीम को 1 से 3 मंथ्स तक यूज़ करना पड़ता है, देन आपको फील होता है कि आपके डार्क स्पॉट्स जो हैं वो फेड होना शुरू हैं और आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर होना स्टार्ट हुआ है। तो ये था जी इस क्रीम का ऑनेस्ट रिव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।